हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे हम चलते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट 17 मई को बहुत बड़ा वन साइड मोमेंटम किया, 1600-1700 पॉइंट का मोमेंटम किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बाद मार्केट टू डेज यहाँ पे लगभग 300-400 पॉइंट के बीच में ही मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, इसके बाद मार्केट वोलेटाइल हुआ और इसके बाद ही जिस साइड में क्रॉस करती है, अपर या डाउन जिस साइड में क्रॉस करें वहाँ पर हम ट्रेड करने की कोशिश करें। यहाँ पर निगेटिव कैंडल बन भी चुका है, देखिए यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बन भी चुका है, एक कैंडल निगेटिव बन चुका है। अगर इस लोअर साइड को क्रॉस करती है तो मार्केट यहां से अच्छा मोमेंटम कर सकती है और इसी पॉइंट पर आकर सपोर्ट लेगा। यहां पे 33,300 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल मार्केट 33,600 के नीचे क्रॉस करती है तो हम यहां पे सेल करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 33,300 के आसपास होगा। तो यहाँ पर पहले इस लाइन को क्रॉस कर लेने दीजिए 33,600 के नीचे। चलिए हम लोग 15 मिनट कैंडल पर देख लेते हैं कि मार्केट कल क्या मोमेंटम करने वाला है। आ गए हम लोग 15 मिनट कैंडल पे। यहाँ पे देखिए मार्केट लगभग 200-300 के पॉइंट में ही रहा, 33,850 से लेकर 33,600 के बीच में ही मार्केट इस तरह से फंसा रहा। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला था 100 पॉइंट का, कल के लो के आसपास खुला था, इस लो के आसपास, और यहाँ से रिवर्स किया और यहाँ पर दो नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद इसके लो को क्रॉस किया तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट मिला और पूरा डे 250-300 पॉइंट के बीच में ही ट्रेड करते रहा। अगर मार्केट कल इसी 300-250 के पॉइंट के बीच में खुलती है, 33,800 से लेकर 33,600 के बीच में खुलती है, 200 पॉइंट के गैप है, इसी गैप में अगर खुलती है और अगर 33,800 के क्रॉस करती है तो यहाँ पर हम बाई करेंगे और 33,600 के क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट बिग गैप अप हो जाए या बिग गैप डाउन हो जाए, मान लीजिए कि 33,300 के आसपास खुलती है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। लेकिन पहले आप अपसाइड मोमेंटम के लिए आप पहले प्राइस एक्शन देख लें, पहले प्राइस एक्शन को बनने दीजिएगा, इसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। और अगर मान लीजिए कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, इस लेवल के 34,200 के आसपास खुला या 34,100 के आसपास में खुला इस, तो यहाँ से मार्केट सेल साइड में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो इसको क्रॉस नहीं करके ऊपर नहीं जा सकता है, इसके बाद यहाँ पर सेल साइड में ही आ सकता है। लेकिन पहले आप पैटर्न क्रिएट हो जाने दीजिए सेल साइड के लिए, तभी ट्रेड कीजिएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी मार्केट बिग गैप अप या बिग गैप डाउन हो तो पहले प्राइस एक्शन बन जाने दीजिए, इसके बाद ट्रेड कीजिए। और इस समय मार्केट 2-3 दिन से लगातार वोलेटाइल है तो आप क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड करें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। लेकिन कल ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कल वन साइड मोमेंटम करने के लिए रेडी है, 33,600 के नीचे क्रॉस करती है तो वन फ्लो में हमें 300 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो कल पहले पैटर्न क्रिएट हो जाने दीजिए, परफेक्ट प्लेस पर मार्केट को ओपन हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद पैटर्न देखकर कोशिश ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। लाइव मार्केट का सेंटीमेंट बदलते रहता है, आज हमने जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस बदल सकता है गैप अप और गैप डाउन ओपन होने के बाद। तो इसलिए अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, क्योंकि मैं लाइव मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू अपडेट करती रहती हूँ। तो पहले मेरे जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़े और लाइव मार्केट का पूरा अपडेट देखते रहें, इससे आपको बहुत ही सीखने के लिए भी मौका मिलेगा और ट्रेड करने के लिए भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आज ही मैंने एक कॉल के लिए दिया था, वहाँ से 100 पॉइंट से 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो पहले आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़े, इसके बाद ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। और ट्रेड लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें, इसके बाद ही ट्रेडिंग में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब चलिए हम लोग निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं कि निफ्टी में कल क्या मोमेंटम करने वाला है। निफ्टी को भी हम पहले डेली में देखेंगे कि डेली में इसका भी क्या कंडीशन है। डेली में निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा वीक है, लेकिन अगर मार्केट कल 15,000 के नीचे आती है तो यहाँ भी हमें 200 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है।
वन फ्लो में यहाँ हमें 50 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा और यहाँ 900 के आसपास भी आ सकती है, 100 पॉइंट का यहाँ रैली हो सकती है। अगर 15,000 नीचे क्रॉस करती है तो 14,900 तक आ सकती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पहले यहाँ पे परफेक्ट प्लेस पर ओपन हो जाने दीजिए और परफेक्ट लाइन को क्रॉस कर जाने दीजिए 15,000 के नीचे। चलिए हम लोग 15 मिनट कैंडल पर देख लेते हैं कि कल मार्केट का क्या सेंटिमेंट होने वाला है। एक बैंक निफ्टी भी परफेक्ट यहाँ से कल के लो के आसपास खुला और यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करके कल के हाई के आसपास गया और यहीं से रजिस्ट हुआ और यहीं से फिर मार्केट ये फर्स्ट बार सेकंड बार अब यहीं से आज भी ये रेजिस्टेंस लेकर इसी मार्क बीच में रहा। अब ये 100 पॉइंट के आसपास में ट्रेड करते रहा और फिर नीचे आकर यहां से क्लोजिंग दिया। अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपन होती है और इस हाई को क्रॉस करती है 15,100 के अगर क्रॉस करती है तो हम यहां पर बाई करेंगे और अगर 15,000 के क्रॉस करती है तो हम यहां पर सेल करेंगे, अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। या गैप अप या गैप डाउन हो, अगर मान लीजिए कि इस लाइन के आसपास ओपन हो 14,950 के आसपास तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है अपसाइड के लिए। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन हो गया 15,150 के आसपास तो यहाँ से सेल साइड में आ सकती है। तो पहले पैटर्न क्रिएट हो जाने दीजिए, इसके बाद ही आप ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारा टाटा मोटर। स्टॉक हम जब भी चुनते हैं तो डेली कैंडल पे चुनते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंडिंग हुआ था, इस तरह से एक ट्रेंड जाने के बाद यहाँ पर रिवर्स लिया और ये इस तरह से अप जाने के बाद फिर से सेकेंड बार नीचे आने की कोशिश कर रहा। जैसे ही मार्केट कल टाटा मोटर यहाँ पर क्लियर में देखिए, जैसे ही टाटा मोटर इस तरह से पैटर्न क्रिएट किया है, यहाँ कल अगर 312 के नीचे क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा होगा JSW स्टील। JSW स्टील भी बहुत ही परफेक्ट प्लेस पर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, इस तरह से देखिए, इस तरह से हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही अगर कल 704 के नीचे क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, JSW को अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है बोस एलटीडी। यहाँ पर देखिए इस तरह से पैटर्न बनाकर वो अप साइड में गया है, फिर यहाँ से इसी साइड को सपोर्ट लिया जहाँ से ब्रेकआउट किया था, इसी पॉइंट को यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर से ए अप साइड मोमेंटम किया है और यहाँ से अप साइड में इस लेवल को अगर क्रॉस करती है 14,840 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, कल इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। मैं जब भी आपको स्टॉक देती हूँ तो कोई ना कोई एक स्टॉक बम्पर प्रॉफिट देता है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पिछले दिन आइसर मोटर दिया था, वहाँ से लगभग 60-70 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिला है आइसर मोटर में। तो आप पहले चेक कीजिए, इसके बाद ही ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। अब पहले है कि आप खुद सीखिए और खुद से स्टॉक का एनालिसिस कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप पहले सीखने का कोशिश कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।